नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका जो CET का एग्ज़ाम है या फिर आप कह सकते हैं KBS का या कोई अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके सभी एग्जामों के लिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग इन सभी से जो क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो करने वाले हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका हमारे आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये हिंदी से है, तो सही वर्तनी जो आपने इसमें बताना है। तो आपके सामने जो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, और जो इसमें से सही है वही आपने बताना है। और अपना कमेंट में जो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने जो है यहाँ पर क्वेश्चन इनमें से सही हुए हैं, क्योंकि आपके अब जो है ना एग्ज़ाम भी नज़दीक है और आपको भी अपनी तैयारी का पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, तो परीक्षा जो है यहाँ पर ये हमारा सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ये भी आपका शुद्ध वाला ही है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इनमें से चारों में से सही जो है कौन सा है, और इसमें जो सही आया है ये जो ऑप्शन बी वाला है, संपूर्ण, तो यही जो है हमारा यहाँ पर इनमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर शुद्ध शब्द है, तो ये जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शुद्ध वाला, तो इसमें बताना है यहाँ पर शुद्ध कौन से वाला है। तो ये जो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर कवयित्री, यही जो हमारे यहाँ पर शुद्ध इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निर उत्तर, जब हम इसको अलग अलग करते हैं संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो निर प्लस उत्तर इस प्रकार से बनेगा ये, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से वाला जाए बना है, तो ये बना ऑप्शन डी वाला, निः प्लस में उत्तर, ये विसर्ग जो संधि है उसमें यहाँ पर ये हो जाता है निः प्लस में उत्तर। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचवटी, पंचवटी पांच वटों का समूह, और यहाँ पर समास जो है उससे है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, द्विगु समास, क्योंकि क्या इसमें सूरमे संख्या दी गई है, तो जिसमें सूरमे संख्या दी गई होती है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चारों चारों शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ पर आपने बताना है इसमें भावात्मक संज्ञा, तो भावात्मक संज्ञा कौन सी है, चारुपन, चारुताई, चारुता या चारु, और भावात्मक के अंतर्गत जो इनमें माना गया है ये ऑप्शन सी हमारा रहेगा, तो ये जो चारुता यहाँ पर दिया गया है ये आपका भावात्मक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आ जाता है गिरी, शब्द का शुद्ध बहुवचन है, गिरी पहाड़ जब उसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसी का बहुवचन आपने इसमें बताना है, और इसमें जो बहुवचन वाला जो लिया गया है ये ऑप्शन ए हमारा रहेगा, तो गिरी का जो बहुवचन है ये गिरियाँ होता है। नेक्स्ट आ जाता है बृहत विशेषण का शुद्ध जो उत्तम अवस्था इनमें कौन सी है, तो बृहत विशेषण की उत्तम अवस्था, बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तम या बृहत्तर, तो जैसे आप इंग्लिश इंग्लिश में करते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो ऐसे ही यहाँ पर ये इसमें उत्तम अवस्था बताई गई है, शुद्ध उत्तम अवस्था कौन सी है, और ये जो ऑप्शन सी वाली जो दी गई है बृहत्तम, तो यही जो है यहाँ पर इसमें सही मानी गई है, क्योंकि बृहत्तम यहाँ पर क्या है डबल ता इसमें दिया गया है। उसके बाद है घनिष्ठ, घनिष्ठ के भी यहाँ पर उत्तर अवस्था आपने बतानी है, यहाँ पर उत्तम थी और इसमें आ जाती है यहाँ पर उत्तर अवस्था, और इन ऑप्शन में भी अगर हम देखें तो जो सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला ये रहेगा घनिष्ठ तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इतिहास का शुद्ध विशेषण है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक,
ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। तो देखने में जो एक समान लग रहे हैं तो इसमें शुद्ध ही आपने बताना है, और ये जो ऑप्शन डी वाला जो है ऐतिहासिक, ये ही यहाँ पर इसका शुद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर नवनीत। शब्द का सही अर्थ घी, नवीन, आकाश या मक्खन से। तो नवनीत का जो यहाँ पर जो लिया गया है, नवनीत का जो सही अर्थ है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ मक्खन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर प्राचीन। प्राचीन का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, अप्राचीन, अर्वाचीन, अति प्राचीन या प्राचीन। तो प्राचीन जो मतलब पुराना है, पुराने का जो नया होता है इसे हम अर्वाचीन कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्यता। मनुष्यता का विपरीतार्थक है अमनुष्यता, क्रूरता, बर्बरता या फिर आदि मानवता। तो मनुष्यता का जो विपरीतार्थक यहाँ पर लिया गया है इनमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो इसका क्या होगा, इसका होता है अमनुष्यता। नेक्स्ट है जिसका जन्म ना हो, एक शब्द उसके लिए बताइए, अजन्मा, अजर, अनादि या शंभु। तो जिसका जन्म ना हो और उसे कहते हैं हम अजन्मा, अजर जो बूढ़ा ना हो। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए, यदि चादर के बाहर पसारोगे तो पछताओगे, हाथ, बाजू, टांग या फिर पैर। तो आपने ये उक्ति भी सुनी होगी कि अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए, तो वो जो है यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी हमारा रहेगा। आपके जितनी सामर्थ्य है, जितने आप में जा सकती है उसी के अनुसार अपना प्रदर्शन दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, उसने MA BEd पास किया है। तो इनमें बताना है आपने, और इनके अंतर्गत जो यहाँ पर माना गया है हमारा ऑप्शन बी वाला ये रहेगा, M के बाद उसके बाद A, ये चिन्ह अल्पविराम और बी एट। नेक्स्ट टाइम में से भी एक जो है यहाँ पर शुद्ध है, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है या वह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, और इसमें ये अर्धविराम है, अल्पविराम है, और इनमें ये संबोधन चिन्ह है पीछे। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें सही जो माना गया है, वह कितना सुंदर दृश्य है, ये ऑप्शन डी जो है इसे माना गया है, क्योंकि इनको देखें तो यहाँ पर अल्पविराम का काम नहीं है वह, और यहाँ पर ये जो यहाँ पर अर्धविराम और ये अल्पविराम जो इनका यहाँ पर काम इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन डी जो है इसको माना गया है। तो यहाँ पर जो आपको ये जो चिन्ह जो है इनके बारे में पता होना चाहिए, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे ये वाला चिन्ह है, इसको कहते हैं हम पूर्ण विराम, जब हमारी जो लाइन है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद अर्धविराम आता है, अर्धविराम जो ये वाला दिया गया है, इस प्रकार से बिंदी होगी और इसके ये नीचे चिन्ह होगा जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसे कह देते हैं हम अर्धविराम। और एक होता है सिर्फ ऐसे कोमा, जिसे हम इंग्लिश में जो कोमा कह देते हैं, तो वो होता है आपका अल्पविराम। तो ये जो कोमा है इसे हम अल्पविराम कहते हैं, और ये वाला आपका प्रश्न चिन्ह हो गया, और ये वाला जो निशान आपका विस्मयादिबोधक का हो गया, और एक जो ब्रैकेट जो इस प्रकार से होती है तो इसे हम जो है उदाहरण चिन्ह जो है वो कह देते हैं। कई बार आपको ये दो निशान लगे हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर एक, तो इनको हम उदाहरण चिन्ह कहते हैं। एक होता है योजक, जैसे राम श्याम इनके बीच में आपने कुछ इस प्रकार का लगा हुआ देखा होगा एक छोटा सा डैश, तो ये है योजक चिन्ह।
और एक आ जाता है निर्देश वाला। तो इसकी जो लाइन है निर्देश वाले की लाइन कुछ लंबी सी होती है, तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। योजक वाले की बिल्कुल छोटी सी होती है, और जो ये जहाँ पर किसी को कोई निर्देश दिया जाता है वो लाइन थोड़ी सी लंबी होती है। और उसके बाद कोष्टक चिन्ह आ जाता है जिसे ब्रैकेट कह देते हैं। और एक जो है हंस पद या त्रुटि बोधक भी हो जाता है, जहाँ पर किसी को थोड़ा सा दिखाना हो तो कुछ इस प्रकार की जाए चिन्ह होती है, इसे हंस पद कह देते हैं। और उसके बाद है रेखांकन चिन्ह, ये नीचे की तरफ एक लाइन होती है। और एक होता है लागव, जहाँ पर कोई अक्षर जैसे डॉक्टर आप लिखते हैं तो हम उसे क्या पूरा ना लिख कर इस प्रकार से जीरो सी बना देते हैं, तो इसे कह देते हैं लागव चिन्ह। और एक होता है लोप चिन्ह, जो ये डैश डैश जो इसमें कर देते हैं, जैसे हम कोई पूरी पंक्तियाँ लिख कर उसके कुछ अक्षर लिख कर उसके आगे डैश डैश कर देते हैं, तो वो हो जाती है ये लोप चिन्ह। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये चिन्ह हैं, तो इसे इन्हें जो आप याद रखिएगा, ये वाला अर्धविराम है और ये वाला अल्पविराम है, जिसे हम इंग्लिश में कॉमा कह देते हैं। उसके बाद है इनमें से कौन सा वाक्य एक शुद्ध है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ, तो इनमें से सही जो है कौन सा है। और इनमें जो हमारा सही है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। उसके बाद आ जाता है कौन सा वाक्य यहाँ पर एक शुद्ध लिखा गया है, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। तो यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है एक क्वेश्चन जारी किया जा रहा है प्रश्न, तो इनके अनुसार अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या यहाँ पर भी क्या है इसमें क्या है। पीछे चिन्ह देखें तो ये विस्मयादिबोधक वाला है, ये हमारा जो पूर्ण विराम जो होता है लाइन समाप्ति होने पर वो वाला है, ये क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर इसमें देखें तो यहाँ पर सुरमई कॉम आ गया है, ये जब किसी का नाम वगैरह होती है पुस्तक नाम नाम लेखक नाम तो उसके पीछे फिर ये आ जाता है, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो देखे तो ये सिर्फ ऑप्शन बी जो है हमारा यही यहाँ पर सही इसमें रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाई में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कनक कनक यहाँ पर दो बार इसमें आया है, और इस प्रकार के जहाँ पर ये दो शब्द दिए गए होते हैं और दोनों का जो अर्थ जो है वो अलग अलग होता है, तो वहाँ पर जो ये यमक जो अलंकार है ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रेमन पानी रखे बिन पानी सुन कौन में अलंकार है, श्लेष यमक भ्रांतिमान या दृष्टांत अलंकार। और इसमें जो हमारा अलंकार है एक यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एक ही शब्द है पानी पानी, लेकिन अर्थ जो है इनके भी अलग हैं, तो जहाँ पर एक ही है शब्द हो उसके अर्थ अनेक प्रकार के हों तो वहाँ पर श्लेष जो है अलंकार जो है होता है। नेक्स्ट है कितने पाकिस्तान नामक एक यहाँ पर उपन्यास है, इसके लेखक भी आपने बताना है, राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्य प्रकाश मिश्र या खुशवंत सिन्हा। तो यहाँ पर भी इनके लेखक जो है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा, तो इसके लेखक है यहाँ पर कमलेश्वर। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजेंद्र कुमार के द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से ये संबंधित है, कहानी उपन्यास आलोचना या फिर नाटक से। तो राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक है आलोचना का विवेक, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी हमारा रहेगा आलोचना, ऐसे नहीं याद रहता है तो यहाँ पर भी आलोचना है और यहाँ पर भी इसमें आलोचना है, तो इस प्रकार से आप इसे मिलान करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रामचरितमानस के जो रचयिता सूरदास, नंददास, वाल्मीकि या फिर तुलसीदास, और रामचरित जो है इसके माने गए हैं ऑप्शन डी वाले तुलसीदास। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्कर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पर उक्त साखी ये विचार हैं, और ये जो विचार हैं यहाँ पर ये इनमें से किन के हैं, तो ये जो यहाँ पर विचार हैं इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये कबीर जो है इनके यहाँ पर ये वचन हैं। और
ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है, सा की जो आई है, इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है? कबीर दास जो है इनके द्वारा एक बहुत ही यहाँ पर अच्छी बात कही गई है कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भय ना कोई, कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुँच गए परंतु सभी विद्वान न हो सके, ढाई अक्कर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो क्या वही सच्चा ज्ञानी होगा। तो इस पंक्ति के माध्यम से जो कबीर दास के द्वारा बहुत ही जो है अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है, ये आपके जो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर ज्ञान, उससे जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि छोटे प्लास्टिक कार्ड में कूट अंकित इन कोडेड सूचना को पढ़ने के लिए निर्दिष्ट डिवाइस है, कार्ड पंचर, आईडी पंचर, टेप पंचर या बैज रीडर। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये ऑप्शन रहेगा डी, तो ये बैज रीडर है। तो क्या है, छोटे प्लास्टिक कार्ड में कूट अंकित इन कोडेड सूचना को पढ़ने के लिए जो निर्दिष्ट डिवाइस है, इसे हम बैज रीडर कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये बैज रीडर जो आया है, ये होता है जैसे मान ले आपका एक कार्ड है, जैसे उसके ऊपर जो आपका कार्ड है, मतलब जैसे आपका वोट कार्ड हो गया, या फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर जो अब नए जो आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर कुछ अन्य भी लगा, जैसे उस पर कुछ ये लाइनें लगी हुई होती हैं, तो आप जब आपका कार्ड जो है उसके सामने करते हैं तो वो जो आपकी जो जानकारी है उसमें से पढ़ लेता है। तो बस आप जो है इस तरीके से समझ लेते हैं। कई बार आपने जो फिल्म वगैरह है उसमें भी देखा होगा, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने के लिए आपके पास एक कार्ड होता है और जैसे ही आप उसके सामने करते हैं तो दरवाज़ा जो खुल जाता है, वो डोर ओपन हो जाता है, तो उसमें जाए कि ये बैज रीडर जो डिवाइस है वो लगी होती है जो आपकी आईडी को पहचान लेती है, तो वही जो है यहाँ पर ये होता है बैज रीडर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर URL से। URL जो है इससे यहाँ पर क्या तात्पर्य है? यह प्रिंटर्स और कंप्यूटर के मध्य एक संप्रेषण विधि है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एक एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, या फिर वेबसाइट का एक टाइटल है। तो URL जो है यहाँ पर लिया गया है, इसका ऑप्शन भी हमारा जो है यहाँ पर रहेगा, एक वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस होता है। और ये जो URL जो है इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार आ जाती है, तो यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटरी इसको कहा जाता है। और एक जो एग्ज़ाम में जो आपके जो USB उसकी भी कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उसे हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है, मिडिलवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर प्रोग्रामवेयर। तो इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है और इसे जो हम कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा रहेगा, इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से माइक्रो प्रोसेसर के तीन मुख्य फंक्शंस में एक शामिल नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर के तीन समूहों, तीन जो मुख्य फंक्शन उनमें एक शामिल नहीं है, डिकोड, एग्जीक्यूटिव, फेच या फिर स्टोर। तो इसमें एक शामिल नहीं है और ये जो ऑप्शन डी वाला जो है स्टोर। तो माइक्रो प्रोसेसर के जो तीन मुख्य फंक्शन है इनमें ये स्टोर जो है शामिल नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन करता है, लिखता है, टेस्ट करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन करेगा, लिखेगा, टेक्स्ट करेगा, नेटवर्क प्रशासक, कंप्यूटर प्रशासक, कंप्यूटर प्रोग्रामर या फिर डिजाइनर। तो उसे जो हम कहेंगे, उसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामर कहेंगे, कि जो उसमें कंप्यूटर फीड करता है कि उसके अनुसार जो कैसे किस प्रकार से कंप्यूटर ऑन होना चाहिए, तो इस प्रकार की जो जानकारी फीड होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर नेटवर्क
इसके माध्यम से फाइलों को किसी स्थानीय लोकल कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मूव करने या कॉपी करने की जो प्रक्रिया उसे हम कहते हैं फंक्शन, फॉर्मेट, डिफॉल्ट या अप्रोच। तो नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को किसी स्थानीय लोकल कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मूव करने या कॉपी करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो हमारा जो सी आंसर जो है ऑप्शन डी वाला है, तो यहाँ पर क्या है ये शेयरिंग जो है इसे कहा जाता है, तो शेयरिंग जो है ये यहाँ पर इसका सी आंसर रहेगा। तो इसे हम शेयर करना कहते हैं, जहाँ पर हम आपके पास जो कोई भी फाइल होती है और आप जो है उसे किसी अन्य को सेंड करते हैं, तो ये शेयरिंग जो है हो जाती है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विंडोज़ यहाँ पर एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है, एक मॉनिटर डिस्प्ले सिस्टम है या एक वीडियो गेम है। तो विंडो यहाँ पर क्या है और इसमें हमारा सही आंसर एक ऑप्शन ए वाला, तो इसे जो हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, तो क्या है ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण यहाँ पर नहीं है कीबोर्ड, जॉयस्टिक, हार्ड ड्राइव या फिर माउस, और इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी वाला ही रहेगा, तो क्या है ये एक हार्ड ड्राइव जो है ये इनमें नहीं है, और जो कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक, माउस ये सभी क्या है इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला यह मैसेज जो ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन या कमांड इंटर करने का निवेदन करता है, बाइट, करेक्टर, इनपुट या फिर प्रॉम्प्ट, और इसे जो हम कहते हैं इसे ऑप्शन डी हम कहेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला वह मैसेज जो ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन या कमांड इंटर करने का निवेदन करता है, तो प्रॉम्प्ट जो हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत विंडो एक्सपी घटक एक महत्वपूर्ण है, पीपल, डाटा, प्रोसीजर या सॉफ्टवेयर, और ये विंडो एक्सपी किसका घटक है, तो ये क्या है सॉफ्टवेयर का एक ये घटक यहाँ पर माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बिना लाइसेंस या अनलाइसेंस्ड अपने सॉफ्टवेयर का प्रयोग न करने देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोडक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है, ताकि प्रत्येक लाइसेंस वाले विंडोज की इंस्टॉलेशन के लिए आपको विंडो परचेज करनी पड़े, तो इंस्टॉलेशन, शेड्यूलिंग, एक्टिवेशन या अनटाइटलमेंट, तो इसे क्या कहा जाता है, और इसे जो हम कहते हैं इसे एक्टिवेशन कहते हैं। जब हम कोई विंडो जो लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ जो फीस वो देनी होती है ताकि सही से जो वो एक्टिव हो सके, तो एक्टिवेशन जो है यहाँ पर इसका ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है नियम और मानकों का एक समूह जिसका प्रयोग दो कम्युनिकेटिंग एंटिटीज द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, इंटरेक्शन, पैरामीटर, लैंग्वेज या फिर प्रोटोकॉल, और यहाँ पर एक ऑप्शन डी प्रोटोकॉल, नियम और मानकों का एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग दो कम्युनिकेटिव एंटिटीज के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को बूट करने का जो अर्थ है वो क्या होता है, लगातार काम करते रहना, साउंड चालू करना, एक्स्ट्रा ड्राइव करना या पुनः चालू करना, तो बूट करने का यहाँ पर क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है उसको पुनः चालू करना, कोई फाइल जैसे उसमें कोई वायरस है या किसी कारण से वो करेक्ट है सही नहीं चल रही है, तो आप फोन है या जो कंप्यूटर है उसे क्या बूट कर सकते हैं, लगभग जो आपकी जो परेशानी जो है उसे समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर से संबंधित किसी कार्य को निष्पादित करते समय सॉफ्टवेयर निम्न में से किन चार बेसिक फंक्शंस के लिए हार्डवेयर का प्रयोग करता है, तो कंप्यूटर से संबंधित किसी कार्य को निष्पादित करते समय सॉफ्टवेयर इनमें से किस चार बेसिक फंक्शन के लिए हार्डवेयर का प्रयोग करता है, तो चार इनमें से कौन से हैं, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज और आउटपुट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, सामान्यतः कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इन्फॉर्मेशन की कॉपी क्या कहलाती है, सॉफ्ट, डाउनलोडिंग, रीडेबल या वर्चुअल, तो कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इन्फॉर्मेशन की कॉपी, और उसे जो हम कहेंगे ये डाउनलोडिंग कहलाती है।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टेम्प्रोरी मेमोरी कहलाती है, PROM, ROM, DOS या फिर RAM। तो टेम्प्रेरी जो मेमोरी जो होती है उसे हम RAM जो कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म रहेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये होती है रीड ओनली मेमोरी। और ये जो DOS इसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वह स्टोरेज डिवाइस जिसे प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर के USB पोर्ट द्वारा प्लग किया जा सकता है, CKHVW, DVD, फ्लॉपी या फ्लैश ड्राइव। और ये जो होती है इसे हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं। नेक्स्ट है जब आप मॉनिटर पर सेव क्लिक करते हैं और ड्राइव में फ्लैश ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क नहीं होता है तो आपके द्वारा प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन स्टोर हो जाता है, टेप रोम CD रोम ड्राइव या हार्ड ड्राइव पर। तो जब आप मॉनिटर पर सेव क्लिक करेंगे और ड्राइव में फ्लैश ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क नहीं हो तो आपके द्वारा जो प्रयुक्त डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन ये वो कहाँ पर स्टोर होगा, तो कहाँ पर होगा वो होगा हार्ड ड्राइव पर। नेक्स्ट है हमारा वह पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में फाइलों को संगठित करता है, ग्राफिकल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का प्रयोग करता है, उसे हम रैम विंडो डॉस या CPU कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर एक उदाहरण है ये विंडोज का उदाहरण है वह पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल मतलब जिसे हम PC कह देते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में फाइलों को संगठित करता है, ग्राफिकल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का प्रयोग करता है, तो विंडो ये होता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा एक बाइट किसके बराबर होते हैं। विंडो स्क्रीन के ऊपर हिस्से में बाईं ओर कोने में पाई जाती है वह भाग है जो डेस्क ड्राइव पर मूव करती है, 8 बिट्स के समूह का एक कोड है। विंडो स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में दाईं ओर कोने में पाई जाती है। तो एक बाइट जो होती है ये ऑप्शन सी हमारा रहेगा, 8 बिट्स के समूह का एक कोड ये होता है जिसे हम बाइट यहाँ पर कहते हैं। तो ये हमारे जो यहाँ पर कंप्यूटर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और हम यहाँ पर आपके जो इंग्लिश जो है इंग्लिश ग्रामर उससे संबंधित जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है एरर वाले उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ स्टूडेंट्स नीड्स एडवाइस अबाउट कैरियर ही और सी कुड कंसल्ट इन कैरियर ऑफिसर नो एरर। तो इसमें जो आपने एरर बताना है कि यहाँ पर कौन से वाले में है, और यहाँ पर जो माना गया है ये ऑप्शन ए हमारा रहेगा। तो इसमें एरर है, अब कौन से में वर्ड के कारण है, तो ये जो यहाँ पर एडवाइस जो आया है इसमें ही यहाँ पर एरर है। तो ये जो एस जो यहाँ पर लगा हुआ है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तो खाली जो यहाँ पर एडवाइस आएगा क्योंकि सलाह के संदर्भ में एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, नो एरर। और इसमें भी कौन से में है यहाँ पर एरर, तो इसको अगर हम देखें तो हमारा रहेगा यहाँ पर ऑप्शन जो है सी वाला। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा, अब यहाँ पर कौन से वर्ड में है, तो ये जो यहाँ पर कंट्री जो आया है इस कंट्री में वाई काट कर जो यहाँ पर IES ये होना चाहिए था कंट्रीज, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा पुलर जो नाउन है उसी का प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मेडोसो नियर आवर फार्म, नो एरर। तो यहाँ पर इसमें कौन से में है, और इसको देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये ए में ही हमारा यहाँ पर इसमें कमी है। तो कमी कौन से में है, यहाँ पर क्या देख सकते हैं एस दिया गया है कैटल्स, लेकिन यहाँ पर क्या ये एस नहीं होगा, तो एस यहाँ पर नहीं आएगा सिर्फ कैटल आएगा, क्योंकि कैटल स्वयं में ही क्या है कि ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, पुरुष है ये। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन सप्लाई टू अस वेर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी, नो एरर। अब इसमें यहाँ पर कौन से में है, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है इसमें हमारा जो यहाँ पर कुछ कमी है इसमें एरर है, और कौन से में है,
इसमें अगर देखें तो ये एक शब्द वर्ड आया है यहाँ पर वर वेयर, तो यही हमारा यहाँ पर गलत है क्योंकि इसकी जगह पर यहाँ पर जो वाज जो है ये होना चाहिए था, क्योंकि जो वाक्य इसका जो सब्जेक्ट द इंफॉर्मेशन है, द इंफॉर्मेशन है जो अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है। नेक्स्ट है द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स नोएरर, यहाँ पर भी आपने इसमें बताना है कौन से में है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर हमारा आया है इसमें है। अब इसमें यहाँ पर क्यों आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक वर्ड दिखाई देगा इट्स, तो यहाँ पर क्या है इट्स के बदले देयर होना चाहिए था, टी एच ई आई आर, ये जो यहाँ पर होना चाहिए था क्योंकि जब ऑडियंस योरी क्राउड आदि इनके सदस्य का बोध इससे होता है तो इनके साथ वर्ब और प्रोनाउन प्लुरल जो है उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल इन यूके, नो एरर, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन ए वाला है इसी में हमारा एरर है। अब इसमें यहाँ पर कौन से में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिस्टर इन लॉज आया है एल ए डब्ल्यू एस, तो यहाँ पर क्या है एस नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ पर नहीं आएगा, एल ए डब्ल्यू ही आएगा क्योंकि कंपाउंड नाउन में प्लुरल फॉर्मेशन रूट वर्ड में आता है। नेक्स्ट है शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर इन हिल्स नोएरर, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए वाला है इसी में हमारे यहाँ पर एरर है। अब इसमें जो यहाँ पर ये क्यों है, यहाँ पर भी आपने एक वर्ड जा देखा होगा शिप्स, तो जैसे हमने सबसे पहले वाले में जा देखा था तो जिसमें कैटल्स दिया गया था, तो ऐसे यहाँ पर ये सिप्स है, तो क्या है यहाँ पर भी ये एस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अपने आप ही में ही बहुवचन जो है उसमें आता है, तो सिप का प्रयोग हो क्योंकि सिप सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों कोई में इसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो ये सिप जो है यहाँ पर इसका रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं द सिप्स ऑफ द वीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड, नो एरर, अब इसमें यहाँ पर कौन से में है, इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन ए वाला हमारा दिया गया है इसी में ही कुछ यहाँ पर कमी है। अब यहाँ पर कौन से वर्ड में यहाँ पर कमी है, तो इसमें भी आपने देखा होगा एक जो यहाँ पर, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपको इसमें एक वर्ड जो दिखाई देगा ये वाला सेप्स, तो यहाँ पर क्या है ये जो एस जो है यहाँ पर इसका वी ई एस ये होना चाहिए था, वी ई एस ये जो यहाँ पर इसका आएगा, एस एच ई ए, एस एच ई ए ये भी आएगा, वी ई एस सेप्स ऐसे जो ये होना चाहिए था क्योंकि सेप जो है इसका पूर्ण जाए सेप्स होता है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, आई डू माई बेस्ट बट डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, नो एरर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन जो हमारा सी वाला जो आया है ये वाला, तो इसी में यहाँ पर किसी वर्ड में कुछ कमी है और वो कौन से में है, तो यहाँ पर भी आपको एक वर्ड दिखाई देगा ये वाला मार्क, तो यहाँ पर क्या इस मार्क की जगह पर एस होना चाहिए था, मार्क्स ये होना चाहिए था क्योंकि मार्क का अर्थ होता है चिन्ह और परीक्षा के जो प्राप्त अंक है उनके लिए हम मार्क्स का प्रयोग करते हैं, मार्क तो होगा किसी चीज़ का निशान हो गया मार्क, और मार्क्स होते हैं आपके जो नंबर होते हैं। उसके बाद है आई हैव नेवर सीन सच ए लोनली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ, और सेट द पासर वे नो एरर, तो इसको देखें तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन बी जो हमारा आया है इसमें यहाँ पर कुछ इसमें एरर आया है, और किस में है तो ये आपको स्पेक्टिकल्स यहाँ पर दिखाई देंगे,
तो स्पेक्टिकल्स के बदले क्या है यहाँ पर, ये एस यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, ये एस यहाँ पर नहीं आएगा, तो स्पेक्टिकल ऐसे कैसे होगा, क्योंकि स्पेक्टिकल्स का प्रयोग दृश्य के अर्थ में हुआ है और यह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग यू कैन नॉट बिलीव दैट ही इज अबो 70, नो एरर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन ए वाला जो आया है, इसमें जो यहाँ पर किसी वर्ड में कुछ कमी है, और कौन से में है, तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर जो आया है इसी में है, तो यहाँ पर ये जो एस है ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे कैसे आना था, क्योंकि ऑफस्प्रिंग का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों ही रूपों में होता है, सिंगुलर प्लुरल दोनों में होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिना एंड नो बॉडी कैन चेक इट टू बी श्योर, नो एरर। और इसको देखें तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ये बी वाला जो रहेगा, ये एक शब्द आया यहाँ पर, एक वर्ड है ये फिनोमिना, तो इसी में है, तो इसकी जगह पर जाए फिनोमिनोन जो ये आना चाहिए था, MENON, NON, इस प्रकार से जाए आता, क्योंकि एक प्लुरल रूप है जिसका सिंगुलर रूप फिनोमिनन ये वाला होता है। नेक्स्ट आ जाता है, द बिल्डिंग रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इन टू मैनी पर्सन्स डेथ, नो एरर। तो इसको भी देखें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये ऑप्शन ए वाला जो है, इसी में यहाँ पर किसी वर्ड में कुछ कमी है, और ये कौन से में है, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक वर्ड जो इनमें दिखाई देगा ये वाला बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स रूफ ये, तो इसके बदले जाए यहाँ पर होना चाहिए था द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ये होना चाहिए था द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ऐसे जाए होना चाहिए था, क्योंकि निर्जीव जो पदार्थ होते हैं उनके साथ सामान्यतः एस का प्रयोग नहीं होता है, तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें ये गड़बड़ी है। नेक्स्ट, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न ए डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ, ऑर्डर और नो एरर। इसको भी अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन हमारा जो सी वाला है, इसमें कुछ किसी वर्ड में यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, और कौन से में है, तो ये ऑप्शन सी, और किस में है, तो ये जो यहाँ पर आया है ये वाला कमांडर्स इन चीफ इसी में है, तो यहाँ पर जो है क्या कमांडर्स जो आया है, ये जो एस जो आया है ये नहीं होना चाहिए था, कमांडर इन चीफ्स आएगा, ये नहीं आएगा, कमांडर इन चीफ्स ऐसे जाए आएगा, क्योंकि कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द प्रेस का प्रयोग किया जाता है, तो कमांडर इन चीफ्स जाए इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, ही डिड नॉट न्यू एवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, ने एवन। तो इसमें बताना है अब कौन से में है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑप्शन सी वाला जो हमारा आया है यहीं पर किसी वर्ड में है, और वो कौन सा है, तो इनमें एक वर्ड यहाँ पर आया है अर्थ, ये तो अर्थ के साथ जो है एस का प्रयोग होना चाहिए था, एस ये आना चाहिए था अर्थ, क्योंकि जो उत्कृष्ट या प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनके साथ एस का प्रयोग होता है, तो ये एस यहाँ पर इसका होना चाहिए था। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर आपके इंग्लिश ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अब यहाँ पर कुछ जो हम रीजनिंग जो है उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोपाल को हम HPQVM लिखे तो मनोज को उसी भाषा में हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा इसमें बना है ये ऑप्शन बी वाला बना है, NBOPK।
अब ये कैसे बना है? इसको अगर हम देखें तो जी एच एम एन ओ पी पी क्यू ए बी एल एम, तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ पर ये भी बन जाएगा एम एन ए एम एन ए बी, और ये हो गया एन ओ ओ पी जे के। तो इसी प्रकार से जो इनका ये बन रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम ये जो टी ई एस एच जो है इसको वी जी सी ई जे लिखे तो एस टी यू डी वाई को हम उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? तो इसको भी अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा इसमें बना है। तो ये जो यहाँ पर कैसे बना है, तो इसको अगर देखें तो एस यहाँ पर टी यू वी, तो एक जो है यहाँ पर छोटा है एस टी यू वी ई एफ जी ए बी सी सी डी ई एच आई जे। तो इसी प्रकार से आप इसे भी एक अक्षर छोड़कर यहाँ पर देख सकते हैं एस टी यू वी और डी ई एफ और वाई जेड ए। नेक्स्ट आ जाते थे किसी संकेतिक भाषा में हम कुमार जो इसको जे टी एल जेड क्यू लिखे तो एस एन के आर को उसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे? तो इसको भी अगर हम देखें तो इसमें क्या है, तो इसका कैसे हो रहा है, ऐसे जो ये चल रहा है जे के टी यू एल एम, जेड है सबसे लास्ट का है तो ये पहले नंबर का है, मैंने क्यों आर, तो ये जो है इस तरीके से चल रहा है। ऐसे फिर आप जो है इसको भी देख सकते हैं इसमें कौन से वाला बनेगा। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन बी वाला जो है यही बन रहा है आर एस जेड के बाद ए जे के बाद ये एम के बाद एन, तो इस प्रकार से ये बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को हम के एस के जेड वाई जी लिखे तो चेन्नई जो है उसको कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर इसमें जो बना है ये ऑप्शन ए वाला बना है। और अब जो ये ए वाला यहाँ पर बना है ये कैसे बना है, तो इसको भी अगर हम यहाँ पर देखें तो के ऐसे है जी एच आई जे के एल एम एस टी यू जी एच जे के एल एम जेड ए बी, और वैसे ही यहाँ पर वाई जेड और ए, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर बीच में एक अक्षर जो है छूट रहा है। तो ऐसे ही फिर इसका ये यहाँ पर बन जाएगा ए बी सी एफ जी एच और सी डी ई एल एम एन, तो इस प्रकार से जो है बन जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी संकेतिक भाषा में हम टी ओ वाई को यू क्यू भी लिखें तो एस ई ए को कैसे लिखा जाएगा? तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये जो हमारा जो ऑप्शन सी वाला जो आया है टी जी डी ये जो है इसका बना है। अब ये यहाँ पर कैसे बना है, तो इसको देखें तो एस टी यू ओ एम एन ओ पी क्यू, यहाँ पर क्या है एक अक्षर के बीच में गैप है और ये है वाई और उसके बाद जेड ए बी, तो पहले में कोई नहीं है दूसरे में एक है और उससे अगले में दो अक्षर हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो रहा है एस टी हो जाएगा ई एफ एक अक्षर छोड़ देना है जी ए बी सी डी, तो ये इस प्रकार से बना है। नेक्स्ट है यदि किसी संकेतिक भाषा में सी ए टी को डबल डी वाई लिखे तो डी ओ जी को कैसे लिखा जाएगा? और इनके अनुसार अगर हम देखें तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर इसका बना है ई आर एल, तो ये जो ई आर एल यहाँ पर इसमें कैसे बना है,
इसको अगर हम देखें तो सी डी, वैसे ही कोई अक्षर की गैप इसमें नहीं है। ए को देखें तो ए, इसमें बी सी दो अक्षर हैं, उसके बाद टी है। टी को देखें तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पर दो हैं और यहाँ पर क्या है इसमें टी के बाद चार हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स उसके बाद वाई। ऐसे ही यहाँ पर डी के बाद ई होगा, ओ के बाद दो अक्षर होने चाहिए एम एन ओ, पी क्यू आर, जी के बाद चार अक्षर का गैप होना चाहिए जी एच आई जे के और उसके बाद एल। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी संकेतिक भाषा में अगर पी आर एस ई को हम ओ एस डब्ल्यू ओ जेड लिखें तो एम ओ एन ई वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी। तो ये इस प्रकार से जाए यहाँ पर लिखा जाएगा, ये तो इसमें जाइए इस साइड से चल रहे हैं यहाँ पर एम एन ओ पी ऐसे एस उसके बाद टी एस टी यू और उसके बाद जो यहाँ पर ये जैसे शुरू में कोई नहीं है उसके बाद एक अक्षर दो तीन चार इस प्रकार से जो ये बढ़ते क्रम में है इस साइड से इस साइड में। तो ऐसे जब हम यहाँ पर जब इस मनी को बनाएंगे तो एल एम के ए टी ये यहाँ पर होएगा। नेक्स्ट आ जाता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम पॉकेट को डबल के जेड आई डी टी लिखें तो जे ओ सी के ई आर को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको भी अगर देखें तो ये जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन ए वाला बना है। तो ये जो यहाँ पर पी है पी से के बीच में अगर हम अक्षर देखें तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी, तो इसका मतलब है कि ये इस साइड से इस साइड में चल रहे हैं के एल एम एन ओ पी, तो इस साइड से ये इस साइड में यहाँ पर चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ये ऐसे यहाँ पर इस साइड से इस साइड में इनको काउंट करना है। तो इसी प्रकार से फिर ये जो यहाँ पर आएगा ई एफ जी एच ई एफ जी एच आई और उसके बाद जे, ऐसे फिर इसका आएगा। तो इनमें क्या है ये एक अक्षर जो है यहाँ से इधर से चल रहा है। नेक्स्ट है किसी सांकेतिक भाषा में अगर हम बी आर ओ ए डी को ए एस एन बी सी लिखें तो बी ओ आर डी को कैसे लिखा जाएगा, और इसमें जो हमारा रहेगा ये है ऑप्शन बी वाला ए पी जेड एस सी, तो इस प्रकार से जो है लिखा जाएगा और ये जो इस साइड से चल रहे हैं ए बी एम और उसके बाद ये आर एक से एक बार तो इस साइड से है ए बी उसके बाद ये इस साइड में है आर एस और उसके बाद फिर ऐसे ही एम एन ओ ये फिर इस साइड से है ए बी और ये फिर इस साइड से है सी डी, तो इस प्रकार से जाए चल रहे हैं इसके अनुसार जाए ये बनेगा। उसके बाद जो हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पी यू जे ए को सी एफ डब्ल्यू एल लिखे तो आर यू पी ए को हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा सी एल डब्ल्यू एन इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब ये कैसे यहाँ पर बना है तो इसको देखें तो यहाँ पर इस साइड से ये इसमें चला है तो सी उसके बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर ये बन रहा है। तो इनके अनुसार जैसे जो यहाँ पर ये बन रहा है अगर हम इसे जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है लिख कर देखें पी यू
JACFWL। तो इनके बीच में अगर आप यहाँ पर गैप देखें तो इस प्रकार से जाए 12, 10, 12, 10, तो कुछ इस प्रकार का जो आपको गैप इनके बीच में देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही फिर जब हम यहाँ पर रूपा को देखें तो यहाँ पर ए है, तो इसका यहाँ पर फिर क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि जब यहाँ पर ए है तो इसका यहाँ पर एल इस प्रकार से ही होगा। और फिर वैसे जैसे यहाँ पर पी है तो पी का भी फिर वैसे ही जाए बनेगा। तो इस प्रकार से जो आप ये इनके बीच में जो गैप है उसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक ये ई एफ सी एल जो है इसका यहाँ पर आंसर ये बनेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।